नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीपीवीसी पाइप को जॉइंट करने के लिए जो सॉल्वेंट आता है, जैसे इसको हम जॉइंट करते हैं तो जो सॉल्वेंट आता है उसको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, किस तरह से लगाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि ये एमसील कंपनी का आप देख रहे हैं, पीवीसील के नाम से आता है, सीपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट। तो एक ये छोटा आता है और एक बड़ा डिब्बा आता है। तो आप देख रहे हैं ये बड़ा डिब्बा 50 ml का है, 115 रुपये का, और ये छोटा ट्यूब है 10 ml का है, ये 20 रुपीज़ का आता है। तो छोटा पैक हमारा जो है सस्ता पड़ता है और बड़ा डिब्बा जो है ये हमारा महंगा पड़ता है। तो ऐसा क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। अगर आपके घर में पानी की वायरिंग हुई है या फिर आप करवाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में जो हमारे प्लम्बर भाई होते हैं वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे घर में वायरिंग हो जाती है और पानी की लीकेज होती है कहीं पे, तो बहुत समस्या हो जाती है। ख़ासकर जैसे कि ये पाइप जो है ज़्यादातर हमारा अंडरग्राउंड इस्तेमाल होता है। मान लीजिए घर में हमें हमारे वायरिंग हुई, तो फर्श में भी कहीं ना कहीं ये पाइप डालते हैं, और उसके बाद जब कभी ये लीक हो जाता है तो हमें फर्श भी तोड़नी पड़ती है। तो क्या वजह है, किस वजह से ये लीकेज हो जाती है, कभी कभी हमारा जॉइंट खुल जाता है, तो किस तरह से हमें जॉइंट करना है ताकि ये हमारा खुले नहीं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना अगर आप करवाना चाहते हैं वायरिंग। क्योंकि होता ये है कि हमारा जो प्लम्बर आता है वो फटाफट जॉइंट को जोड़ के हमारे घर में वायरिंग कर देता है, फिर बाद में समस्या होती है तो हमें फर्श भी तोड़नी पड़ती है, दीवार में कहीं अगर लीकेज हो गई, जॉइंट खुल गया, तो दीवार भी तोड़नी पड़ती है, तब जाके हमें इसको सही करवाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा छोटा ट्यूब है, तो छोटा ट्यूब जो होता है इसको हम जो है सिंपली यहाँ से खोल के अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, और जो बड़ा डिब्बा होता है, तो बड़ा डिब्बा जो है हमारा इसमें जो है ये दिया रहता है, इससे जो है हमें पाइप में लगाना होता है। तो क्या वजह है कि ये डिब्बा हमारा महंगा पड़ता है और ट्यूब ये हमारा सस्ता पड़ता है? तो यही वजह है, क्योंकि इसमें जो है पाइप में अप्लाई करने के लिए जो सॉल्वेंट सीमेंट होता है उसको अप्लाई करने के लिए ये दिया रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप घर में वायरिंग करवा रहे हैं तो छोटा ट्यूब बिल्कुल ना लें, इससे आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। और एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि प्लम्बर हमारा आता है और फटाफट लगाता है और पाइप को जॉइंट कर देता है, तो पाइप को जॉइंट करने के लिए जो है किस तरह से लगाना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो अभी ये छोटा ट्यूब जैसे है हमारा, तो इसको हम लगा रहे हैं, तो हमें इसमें भी लगाना है, इस साइड में भी लगाना है, और जो पाइप हमें जॉइंट करना है उसमें भी लगाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये लगाया ट्यूब से तो अच्छे से नहीं लग पाया, और इसी की जगह पे अगर हम डिब्बा जो होता है उसमें दिया रहता है लगाने के लिए, तो इससे जैसे लगाते हैं तो ये पूरे में अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, ये पूरे में अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो जॉइंट है वो खुलेगा नहीं, और जो हमारा पाइप होता है तो उसमें भी अच्छे से इससे अप्लाई हो जाएगा, ट्यूब से उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप ट्यूब ना लें, डिब्बा लें, और उससे अप्लाई करने में आसानी रहती है, जो इसमें लगा रहता है ब्रश टाइप का। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, जैसे कि प्लम्बर हमारा जॉइंट कर रहा है तो पाइप को कट करता है, तो पाइप को बराबर शेप में काटना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला पाइप हमारा टेढ़ा कटा हुआ है और ये वाला पाइप
बिल्कुल बराबर कटा हुआ है। तो जैसे कि अगर हम कोई जॉइंट करते हैं तो टेढ़ा अगर जो कटा रहता है तो जहाँ पे टेढ़ा रहता है वहाँ पे बहुत कम पकड़ रहेगी, और जहाँ पे ये निकला रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा पकड़ रहेगी। तो चांस ज़्यादा रहते हैं कि ये हमारा जहाँ से कम पकड़ रहती है तो यहाँ से हमारा खुल सकता है जॉइंट। और पाइप अगर हमारा बराबर से कटा रहेगा तो पूरे में बराबर पकड़ रहेगी इसकी। तो पाइप को बराबर से कट करवाएं, या फिर हमारा कोई नया प्लम्बर है तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आप जॉइंट करते हैं तो पाइप को बिल्कुल बराबर कट करें। टेढ़ा कट करेंगे तो एक साइड में अच्छी पकड़ होगी और एक साइड में कम पकड़ रहेगी। तो ये समस्या होती तब है जैसे कि हमारा कोई फर्श में पड़ गया पाइप, और फर्श लगी या फर्श लगाते समय उस पर जब दबाव पड़ता है तो हमारा जॉइंट खुल जाता है। तो फर्श तो हमारी लग जाती है, लेकिन हमें पता बाद में चलता है कि हमारी टंकी तो बहुत जल्दी खाली हो गई, या फिर फर्श में कहीं पे सीलन आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो पानी का वायरिंग का पाइप गया हुआ है उसमें कहीं लीकेज हो सकता है। तो जॉइंट को बहुत ही सावधानी से जोड़ें, टेढ़ा नहीं काटें, बराबर कट करके लगाएं और ब्रश का अप्लाई करें और दोनों साइड में लगाएं। जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि एक पाइप में लगा लिया, जैसे इस पाइप में लगा लिया ये सॉल्वेंट, एक पाइप में लगा लिया और जॉइंट में लगा दिया, तो लग तो जाएगा, पकड़ भी लेगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पकड़ेगा। तो हमें करना ये है कि दोनों में लगाना है, जो हमें जॉइंट कर रहे हैं जैसे ये एल्बो है तो एल्बो में भी लगाना है और पाइप में भी लगाना है, तब हमें जॉइंट करना है। तो दोस्तों जैसे इसको हमें जॉइंट करना है तो हम जो है अभी आपको जॉइंट करके दिखा रहे हैं किस तरह से जॉइंट करना है। तो अभी जैसे हम ये ट्यूब लिए और इसको इसमें लगाया तो थोड़ा सा जल्दी हमें करना होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। फटाफट लगाएंगे और पाइप में भी लगाएंगे, दोनों में हमें लगाना होता है तभी हमारा जॉइंट बहुत अच्छे से जुड़ेगा। तो अभी हम आपको जॉइंट करके दिखा रहे हैं। तो अगर आप अपने घर में वायरिंग करवाते हैं तो प्लम्बर अगर पाइप टेढ़ा काटता है या फिर जो है जैसे जॉइंट करता है तो एक साइड में उसने लगा दिया, जैसे पाइप में लगा दिया और एल्बो में नहीं लगाया, तो आप कह देंगे कि दोनों साइड में, दोनों में लगाएं, तभी आपका जॉइंट परफेक्ट जुड़ पाएगा। तो ये आप देख रहे हैं गाइस कि हमने ये जॉइंट किया है, एल्बो में भी लगाया ग्लू और जो है पाइप में भी लगाया, तो ये हमारा जो है बहुत ही अच्छे से मजबूती से फिक्स हो जाएगा। तो ये जॉइंट खुलने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें ताकि नया वीडियो जो भी अपलोड हो तो आपको पता चल सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्लूड पाइप जैसे जो जुड़ा हुआ पाइप होता है तो इसको किस तरह से रिमूव करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे एल्बो में छोटा सा पाइप जुड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इसको निकालेंगे, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे दोबारा से, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे वो वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।